हेलो नुमान, तुम घर पे हो? जी पप्पू, मैं घर पे ही हूँ। क्या हुआ, खैरियत? आप परेशान लग रही। हातिम अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है शाम से उसका। बता कर गया था कि कहाँ गया? कुछ बता कर जाता तो क्यों फोन करती तुम्हें? अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं पता करता हूँ, ठीक है? परेशान नहीं हो। कहाँ जा रहे हैं आप? वो पप्पू का फोन आया था, हातिम अभी तक घर पे नहीं आया। क्या कोई बच्चा है क्या जो अब तक घर नहीं आया? बात वो नहीं है, तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? इतनी देर तक घर से बाहर रहना कोई अच्छी अलामत तो है नहीं, खुदा खैर करे। पता, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? जाऊंगा, पता करूंगा उसके दोस्तों से, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा ना। अच्छा, तुम अम्मी के पास, बल्कि अम्मी तो दवाई लेके सो गई है, सोमिया भी उनके पास है। तुम एक काम करो, तुम फूफो के पास चली जाओ, परेशान होंगी बेचारी। मैं फोन करता रहूंगा, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? खाला का फोन आया था कि हातिम अब तक घर नहीं पहुंचा है। हातिम अब तक घर नहीं आया? हाँ, इसीलिए नुमान उसे ढूंढने के लिए गए। मुझे कहा है कि मैं खाला के पास चली जाऊँ, वो परेशान हो रही होंगी। मैंने हातिम पर बहुत जुल्म किया है, मुझे डर है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना दे। खुदा के लिए सोमिया, अपने किए हुए फैसले पर डट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हातिम पर किए हुए जुल्म का अजाला करने के लिए तुम्हें मेरे और नुमान के रिश्ते, अपनी माँ की जिंदगी, अपनी इज्जत, अपने किरदार की पाकीज़गी, ना जाने तुम्हें क्या क्या दाव पे लगाना पड़ेगा।